उसके बाद है कि दो इंट्रा टिम्पैनिक मसल्स होते हैं, एक है टेंसर टिम्पेनाई एंड दूसरा स्टेपीडियस। ठीक है, तो हमने कहा ये दो, ये जो है मेनली स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। टेंसर टिम्पेनाई जो है ना, ये रन करता है हमारे यूस्टेशियन ट्यूब के अबव एंड आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द बोनी टनल इनकॉर्पोरेट्स इन टू द मेलियस जस्ट बिलो द नेक। ठीक है, मेलियस के बिल्कुल नेक के नीचे वहाँ पे उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ये अगर अब हम फिगर देखें तो इसमें आप देखें कि ये जो है ना यूस्टेशियन ट्यूब के बिल्कुल अबव से ये रन कर रहा है ये टेंसर टिम्पेनाई मसल, और जैसे ये इमर्ज करेगा ना फ्रॉम द बोनी टनल यहाँ से, तो ये ना इसके मेलियस के जो नेक के बिल्कुल बिलो जाके इंसर्ट करेगा। इसको ना मोटर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है ऑप्टिक गैंग्लियन के थ्रू। ठीक है, इस फिगर में भी ये टेंसर टिम्पेनाई मसल जो है वो विजिबल है। अब अगर स्टेपीडियस मसल की बात करें ना, तो ये आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द पायरामिड ये इंसर्ट हो जाएगा ऑन द नेक ऑफ द स्टेपीज पर, और इसको जो है कौन सप्लाई करेगा, इसको फेशियल नर्व की ब्रांच सप्लाई करती है जिसको हम कहते हैं नर्व टू स्टेपीडियस। ठीक हो गया। नेक्स्ट होता है हमारे पास मैस्टॉइड एयर सेल सिस्टम। तो ये कंसिडरेबली वेरी करता है साइज में। मैस्टॉइड एंट्रम जो है ना, ये लार्जेस्ट होता है और ये ऑलवेज प्रेजेंट होता है। एडिटस एड एंट्रम जो है ना, ये ओपनिंग होती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर में, और ये पोस्टीरियरली लीड कर रही होती है टू द मैस्टॉइड एंट्रम की तरफ। रूफ जो होती है ना मैस्टॉइड एंट्रम की, जिसको हम कहते हैं टैगमैन एंट्राय, तो ये रूफ सेपरेट करती है उसको मिडल क्रेनियल फोसा के साथ। जो लेटरल वाल होगी जो मैस्टॉइड एंट्रम की, वो बनती है फ्रॉम द स्क्वामस टेम्पोरल बोन की मदद से। एडल्ट्स में ना मैस्टॉइड एंट्रम 15 मिलीमीटर डीप होता है सरफेस से। सुप्रामिएटल ट्रायंगल या फिर जो मैकेविंस ट्रायंगल होता है ना, ये एक बोनी सरफेस लैंडमार्क होता है सरफेस एडल्ट्स में फॉर द मैस्टॉइड एंट्रम। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये बनता है बाय टेम्पोरल लाइन की मदद से, जो कि एक पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिन है फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का ये पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिन होती है, एंड इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ की जाए एज अ टेंजेंट फ्रॉम द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। ये अगर स्कल में हम देखें ना, तो यहाँ पर ये होता है सुप्रामिएटल ट्रायंगल, जिसको हम मैकेविंस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैस्टॉइड एंट्रम की हम बाउंड्रीज देख रहे हैं। तो उसके बाद कह रहा है कि जो मीडियल वॉल होती है ना मैस्टॉइड एंट्रम की, ये रिलेटेड होती है विथ पोस्टीरियर एंड हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कनाल। इसकी मीडियल वॉल में हमें वो दो हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कनाल मिलेंगे, एक पोस्टीरियर और दूसरा हॉरिजॉन्टल वाला सेमी सर्कुलर कनाल। ये हो गई इसकी सुपीरियर जो टैगमेन टिम्पेनाई है, पोस्टीरियरली जो है मिडिल ईयर की जो पोस्टीरियर है यहाँ से एडिटस टू मैस्टॉइड एंट्रम है, यहाँ से जो है ये मैस्टॉइड एंट्रम की कैविटी है, और जो यहाँ पर जो लेटरल वाल होगी वो स्क्वामस टेम्पोरल बोन से बनेगी, जिसको हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे जो है वो 15 मिलीमीटर डीप होती है सरफेस, और वहाँ पर सुप्रामिएटल ट्रायंगल होता है। इसके अलावा मीडियल वॉल जो है उसमें हमने कहा कि दो सेमी सर्कुलर कनाल हैं, पोस्टीरियर एंड हॉरिजॉन्टल। और अगर हम पोस्टीरियर की बात करें, तो ये पोस्टीरियरली जो है ना ये कम्युनिकेट करता है बाय सेवरल ओपनिंग्स विथ द मैस्टॉइड एयर सेल्स के साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, जो बिल्कुल ही सेलुलर मैस्टॉइड होता है ना, वेरी सेलुलर मैस्टॉइड, तो उसमें जो एयर सेल्स होते हैं ना ये वाले, ये ऑक्यूपाई करते हैं सारे मैस्टॉइड पार्ट को ऑफ द टेम्पोरल बोन, होल मैस्टॉइड पार्ट को। ठीक है, इसके अलावा रूट ऑफ जायगोमा को भी इन्वॉल्व करेंगे, पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन को अप टू इट्स एपिक्स तक, तो सारा जो है वो एयर सेल से फिल्ड होगा। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं हम इनर ईयर पे। इनर ईयर जो है ये लाया करता है हमारी टेम्पोरल बोन में, और क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये कहलाता है लेबरिंथ। ठीक है, हम इसको लेबरिंथ कहते हैं। ये कंसिस्ट करता है बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ इसमें होते हैं। तो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ ये इनक्लोज हुआ होता है इनक्लोज हुआ होता है विद इन द बोनी लेबरिंथ। ठीक है, यानी बोनी के अंदर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ होगा। बोनी लेबरिंथ में हमारे पास फ्लूड होता है बिटवीन इट्स वॉल्स एंड द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, और उस फ्लूड को हम कहते हैं पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ क्या है? वो फ्लूड जो कि बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के बीच वाली स्पेस में है। अब जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है उसके अंदर जो फ्लूड है उसको हम कहेंगे एंडोलिम्फ। कंपोजिशन इस पेरिलिम्फ की जो है ना बिल्कुल सिमिलर होती है एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे फ्लूड की तरह,
जबकि जो एंडोलिम्फेट है उसकी सिमिलर होती है इंट्रासेलुलर फ्लूड की तरह, हैविंग द हाइस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम एंड लो सोडियम कंटेंट। उसके बाद है हमारे पास डिटेल में, हम देखते हैं बोनी लेबरिंथ। बोनी लेबरिंथ सीरीज ऑफ कैविटीज़ होती हैं हमारे पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में। ये कंसिस्ट करता है ऑफ, इसमें वेस्टिब्यूल आ जाता है, बोनी सेमी सर्कुलर कनाल्स एंड बोनी कोक्लिया भी इसी का पार्ट है। ठीक है, वेस्टिब्यूल जो है ना वो इन बिटवीन होता है द मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर एंड द लेटरल एंड ऑफ द इंटरनल ऑडिटरी कनाल। यानी जो हमारा मिडल ईयर होता है ना उसकी भी जो मीडियल वॉल होती है उसके, और जो एक हमारा इंटरनल ऑडिटरी कनाल होता है जिसमें फेशियल नर्व होती है उसकी लेटरल एंड, इन दोनों के दरमियान जो है ना वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा तीन हमारे पास सेमी सर्कुलर कनाल्स होते हैं, एक एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर और तीसरा लेटरल। बोनी कोक्लिया अब जो है ना ये लाई कर रहा होता है इन फ्रंट ऑफ द वेस्टिब्यूल के, और ये रिजेंबल करता है एक स्मॉल शेल की तरह, लेकिन इसके दो और हाफ टर्न होता है, दो एंड टू एंड हाफ। ठीक है, इन द ह्यूमन बींग्स इसकी शेप जो है उसको सेंट्रल एक्सिस होती है जिसको हम कहते हैं मोडियोलस, जो कि बनाता है इनर वॉल ऑफ द बोनी कोक्लिया। बोनी जो स्पायरल लेमिना है ना वो प्रोजेक्ट कर रहा होता है उस मोडियोलस में से इनटू द कनाल, बोनी स्पायरल लेमिना उसमें से प्रोजेक्ट कर रहा होगा। उसके बाद है हमारे पास मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। ठीक है, ये पिक्चर भी बनी हुई है। अब ये जो है ये कंटिन्यूस सीरीज होती है कम्युनिकेटिंग सैक्स की और डक्स की विद इन द बोनी कैविटीज़ के, मतलब अंदर। इसमें जो है ना सेक्यूल होता है, ये आपको नज़र आ रहा है ये सेक्यूल है मेम्ब्रेन, और इसके अलावा अर्टिकल होता है, मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कनाल होते हैं और कॉकलियर डक्ट होती है, ये स्पायरल कॉकलियर डक्ट और ये सेमी सर्कुलर कनाल हो गए। एंडोलिम्फेटिक सैक जो है ना ये वाली, ये लाई करती है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये कनेक्ट हुई भी होती है टू द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ बाय द हेल्प ऑफ एंडोलिम्फेटिक डक्ट की मदद से। ये सैक है, ये डक्ट है, एंडोलिम्फेटिक डक्ट जो है ये पास करती है थ्रू द मीडियल वॉल ऑफ द बोनी लेबरिंथ। इस ये मेम्ब्रेनस जो बोनी लेबरिंथ है उसकी मीडियल वॉल से जो है ना ये एंडोलिम्फेटिक डक्ट पास करेगी, और ये सैक कहाँ पे होती है, ये मेम्ब्रेनस जो सैक है ये टेम्पोरल बोन के भी पोस्टीरियर सरफेस पर लाए कर रही होती है, हमारी जो टेम्पोरल बोन है उसके। उसके बाद है कोक्लियर डक्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेनस कोक्लिया या फिर हम इसको स्केला मीडिया भी कहते हैं, स्केला मीडिया या फिर मेम्ब्रेनस कोक्लिया। ये एक ब्लाइंड ट्यूब होती है, ट्राइंगुलर होती है सेक्शन में और प्रेजेंट होती है विद इन द बोनी कोक्लिया के अंदर। दस द बोनी कोक्लिया जो ना अब डिवाइड हुआ है एक स्केला वेस्टिबुलाई में और स्केला टिम्पेनाई में बाय स्केला मीडिया। ठीक है, उसकी मदद से अगर हम फिगर देखें तो ये देखिए यहाँ पर है हमारे पास बेजलर मेम्ब्रेन है, ये सारी है स्केला टिम्पेना, ये स्केला वेस्टिबुला। ठीक हो गया, उसके बाद कह रहा है जो फ्लोर होता है ना स्केला मीडिया का, अगर हम फिगर में भी देखते जाए आप लोग, स्केला ये वाला है स्केला मीडिया, इसने इसको वेस्टिबुला और टिम्पेना दो में डिवाइड किया। अब इसके स्केला मीडिया का फ्लोर बनता है बाय द हेल्प ऑफ बेजिलर मेम्ब्रेन, इसने फ्लोर बनाया है जिस पर जो है ऑर्गन ऑफ कोटाइल लाया कर रहा है। अब अगर हम लेटरल वॉल देखें स्केला मीडिया की तो वहाँ पर लेयर होगी वास्कुलर एपिथीलियम की, जिसको हम कह रहे हैं स्ट्राया वास्कुलरिस, स्ट्राया वास्कुलर एस जी लेटरल वॉल में एपिथेलियम की एक लेयर है। रूफ जो है ना स्केला मीडिया की, अब वो किससे बन रही है, ये स्लोपिंग होती है और ये बनती है, रूफ इसका स्लोपिंग होगा और ये बनता है बाय द रीजनर्स मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं रीजनस मेम्ब्रेन या फिर हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये सेपरेट कर रही है स्केला मीडिया को फ्रॉम द स्केला वेस्टिबुलाई से। उसके बाद है नैरोएस्ट पार्ट जो होता है ना मेम्ब्रेनस कोक्लिया का, ये लाई करता है विद इन द वेस्टिब्यूल और ये कनेक्टेड होता है टू द सेक्यूल बाय अ फाइन डक्ट, जिसको हम कहते हैं डक्टस रीयूनियंस। ठीक है, ये पिक्चर देख लें, यहाँ पर जो है ये डक्टस रीयूनियंस दिखाई गई है कि जो नैरोएस्ट पार्ट है हमारे इस मेम्ब्रेनस कोक्लिया का ये लाई कर रहा है वेस्टिब्यूल के अंदर और ये कनेक्ट हुआ हुआ है सेक्यूल के साथ इस डक्ट की मदद से, जिसको हम कह रहे हैं डक्टस रीयूनियंस। ऑर्गन ऑफ कोटाइल जो है ना ये सेंस ऑर्गन होता है हेयरिंग का, ये कंसिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हेयर सेल्स की और इसके अलावा इसमें सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। बेजिलर मेम्ब्रेन और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो कि कॉन्टैक्ट में होती है विद द हेयर सेल्स,
ये इंटीग्रल पार्ट होती हैं स्ट्रक्चर का। इन इट्स एसेंट फ्रॉम द बेजल कोयल टू एपाइकल कोयल ऑफ स्केला मीडिया स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है ना वो फाउंड होते हैं इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई। अ टनल जो कि कंपोज होती है टू रोज ऑफ द रॉड्स ऑफ कॉर्डाई से और ट्राइंगल बनाती है विद द बेजलर मेम्ब्रेन, ये डिवाइड करती है ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई को इनटू इनर एंड आउटर पोर्शंस। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो एपाइकल बेजल कॉयल से लेके एपाइकल कॉयल तक जो है ना स्केला मीडिया जो है ना इसमें हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस मिलते हैं इसे ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस। ठीक है, ये टनल होती है जो कंपोज होती है दो रोज होती हैं इसमें ऑफ रॉड्स ऑफ कॉर्डाई की और एक ट्राइंगल बना रही होती है विद बेजलर मेम्ब्रेन। इस पिक्चर में अगर ज़्यादा विजिबल हो तो एक ट्राइंगल बना रही होती है इस बेजलर मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, और डिवाइड कर रही है ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई को इनर एंड आउटर पोर्शंस के अंदर। फ्लूड जो है ना जिसको हम कहते हैं कॉर्टिलिम्फ, कॉर्टिलिम्फ प्रेजेंट होता है टनल ऑफ कॉर्डाई में। इस पिक्चर में बिल्कुल विजिबल है यहाँ पे ये बन रहा है टनल ऑफ कॉर्डाई। ठीक है, तो इसमें कॉर्टिलिम्फ मिलेगा हमें। उसके बाद कह रहा है कि इनर जो साइड होती है ना वहाँ पे सिंगल रो हेयर सेल्स की सिंगल रो होगी इनर साइड पे, तो हम उसको कहेंगे इनर हेयर सेल्स ये वाले। ऑन द आउटर साइड ऑफ द रॉड्स देर आर 3 to 4 रोज ऑफ आउटर हेयर सेल्स, यहाँ पे 3 से 4 रोज हैं। ह्यूमन में ना ईयर में 12,000 हेयर सेल्स होते हैं और 25,000 से 30,000 सेल बॉडीज होती हैं स्पायरल गैंग्लियन की, उनके अंदर सेल बॉडीज मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद है सेमी सर्कुलर कनाल्स। 3 मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कनाल जो है ना ये ऑक्यूपाई करते हैं ल्यूमन ऑफ द बोनी कनाल्स को। ठीक है, उन बोनी कनाल के अंदर ही होंगी ये 3 मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कनाल। 3 डक्ट्स जो है लाए करती हैं इन द 3 प्लेन्स ऑफ स्पेस में। हर एक जो डक्ट होती है ना सेमी सर्कुलर कनाल की वो डायलेटेड होती है एट वन एंड टू फॉर्म एन एम्पुला। एम्पुला बना देगी। इस पिक्चर को साथ साथ देखते जाएँ तो हर एक जो है यहाँ पर डायलेट होकर एंड में एक एम्पुला ये बना रही है जिसमें न्यूरो एपिथेलियम होता है और उस न्यूरो एपिथेलियम को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टा एम्पुलैरिस, क्रिस्टा एम्पुलैरिस। 3 डक्ट्स जो ये कम्युनिकेट करती हैं इस अर्टिकल के साथ बाय 5 ओपनिंग्स की मदद से। ये आगे यहाँ पे 5 ओपनिंग बन रही है, द सुपीरियर और जो पोस्टीरियर वाला, ये सुपीरियर वाला और ये पोस्टीरियर वाला जो सेमी सर्कुलर कनाल है इनको कॉमन ओपनिंग होती है एट देयर नॉन एम्पुलरी एंड्स, नॉन एम्पुलरी। क्रिस्टा एम्पुलैरिस अब जो है ना यहाँ पे जो न्यूरो एपिथेलियम है उसमें हेयर सेल्स होते हैं जिनको लॉन्ग फिलामेंट्स होती हैं जो प्रोजेक्ट कर रही होती हैं इनटू अ मास ऑफ जेलेटिनस मटेरियल जिसको हम कहते हैं क्यूप्यूला। ठीक है, वो इस तरह एक प्रोजेक्ट कर रही होती है और मास ऑफ द जेलेटिनस मटीरियल होता है ऊपर जिसको हम क्यूप्यूला कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अर्टिकल एंड सैक्यूल। अर्टिकल और ये जो सैक्यूल है ये वाला, ये कम्युनिकेट कर रही होती है एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली थ्रू द एंडोलिम्फेटिक डक्ट की मदद से। ये एंडोलिम्फेटिक डक्ट है, इसकी मदद से ये डक्ट जो है ना ऑक्यूपाई करती है बोनी एक्विडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल को और डिवाइड होती है इनटू 2 ब्रांचेस जो कि ओपन होती है इनटू द सैक्यूल एंड अर्टिकल। डिस्टल पोर्शन जो है ना इस एंडोलिम्फेटिक डक्ट का ये एक्सपेंड होकर एक एंडोलिम्फेटिक ये सैक बना रहा है जो कि लाइक कर रहा है पार्टली इन द बोन एंड पार्टली इन द हमारे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है ये सैक, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के ड्यूरा मैटर में, ये आपने याद रखना है। अर्टिकल और सैक्यूल में जो है ना पैच होता है स्पेशलाइज्ड न्यूरो एपिथेलियम का, यानी इन दोनों में भी न्यूरो एपिथेलियम पाई जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, मैक्यूला। वहाँ पे जो थी उसको हम क्रिस्टा एम्पुलैरिस कहते थे, इस वाली न्यूरो एपिथेलियम को हम कहेंगे मैक्यूला जो कि लाइकवाइज एक रिसेप्टर ऑर्गन की तरह होती है। मैक्यूला, इस अर्टिकल का जो मैक्यूला होगा ना वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है जबकि जो है सैक्यूल का जो मैक्यूला होगा वो इस तरह वर्टिकल प्लेन में होगा। उसके बाद कह रहा है कि ब्लड सप्लाई लेबरिंथ को जो है डिराइव होती है प्रिंसिपली हमारी इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी के साथ, सारे मेम्ब्रेनस को इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी सप्लाई कर रही है। ये आती है एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी से एंड समटाइम्स ये जो है हमारी बेजिलर आर्टरी से भी अराइज करती है। ठीक हो गया। उसके बाद इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक रहता है ऑडिटरी पाथवे। कॉकलियर नर्व जो है ये कंडक्ट करती है नर्व इम्पल्सिस को हमारे ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई से, ठीक है, कॉकलिया के अंदर। फाइबर्स कॉकलियर नर्व के सेंट्रल प्रोसेस होते हैं हमारे नर्व सेल्स के जो लोकेटेड होते हैं इन द स्पायरल गैंग्लियन। अब ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं ना
ये रिले करते हैं इन द एंटीरियर यानी वेंट्रल, एंटीरियर यानी इस वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लिया एंड डोर्सल यानी इस पोस्टीरियर कोक्लियर न्यूक्लिया में इस कोक्लियर नर्व के फाइबर्स जो यहाँ पे रिले करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है ये ओरिजिनेट करेगा कोक्लियर न्यूक्लियाई से और ये रन करेगा इन द ट्रेपिजॉइड बॉडी टू रिले इन द सुपीरियर और लाइवरी न्यूक्लियस ऑफ द ऑपोजिट साइड। ये आ गया यहाँ से, ये सुपीरियर और लाइवरी न्यूक्लियस में इसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। एक्सॉन्स अब यहाँ से जो है असेंड करेंगे ऊपर की तरफ, यानी असेंड करेंगे लेटरल लेमिनिस्कस बनकर, ये बन गया लेटरल लेमिनिस्कस और ये समटाइम रिले करते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ द लेटरल लेमिनिस्कस में, वाइल अदर्स जो है वो एंड कर जाएंगे इन द न्यूक्लियस ऑफ द इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। कुछ यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे, इन्फीरियर कॉलिक्यूलस एंड मीडियल जेनिकुलेट बॉडी पर यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। द फाइबर्स फ्रॉम द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी जो है ये पास करेंगे एज अकॉस्टिक या फिर ऑडिटरी रेडिएशन टू एंड इन द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, यहाँ पे एंड हो जाएगा। ये हो गया हमारा ऑडिटरी पाथवे कंप्लीट। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया कौन सा होता है, एरिया 41 या एरिया 42। तो ये पाथवे आपको अच्छी तरह से याद हो। अब हम ये थोड़ी सी चैप्टर की समरी और की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारा एयर जो है ना वो तीनों जर्मिनल लेयर से बनता है, ये तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक हमारा एक्सटर्नल एयर होता है, मिडल होता है, इनर एयर। एक्सटर्नल एयर में हमारे पास स्पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये कंसीडर होती है पार्ट ऑफ द मिडल ईयर। फिर हमने कहा मिडल ईयर जो है ये सिक्स साइडेड स्लिट लाइक कैविटी होती है जो कि एक मैच बॉक्स की तरह होती है। तीन ओसिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे मिडल ईयर कैविटी में, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। इनर ईयर जो है अब वो एनाटॉमिकली फंक्शनली डिवाइड दो हिस्सों में हुआ है, एक सुपीरियर एंड पोस्टीरियर इज द वेस्टिबुलर पार्ट फॉर द बैलेंस, और जो एंटीरियर और इन्फीरियर है वो है कॉक्लिया फॉर हियरिंग। सुपीरियर पोस्टीरियर वेस्टिबुलर हो गया बैलेंस वाला, एंटीरियर इन्फीरियर कॉक्लिया फॉर हियरिंग। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं हमारे पास। तो यह सबसे पहला सवाल है कि हमारी एवरेज लेंथ क्या होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के एडल्ट्स में, तो वो 2.5 सेंटीमीटर्स है। फिर है कि एवरेज अप्रोक्सीमेट लेंथ हमारे इनर बोनी पार्ट की इन रिलेशन विद द टोटल लेंथ ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इन एडल्ट्स, यानी एक तो बोनी पार्ट होता है, कार्टिलेजिनस पार्ट होता है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, तो बोनी की कितनी होती है, तो एडल्ट्स में जो है वो 2/3 होता है ऑफ द टोटल लेंथ। उसके बाद आउटर पार्ट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का ना कार्टिलेजिनस होता है, उसकी कितनी लेंथ होती है एज कम्पेयर टू टोटल, तो वो कार्टिलेजिनस वाला 1/3 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है टेंसिल टिम्पनल जो है इज इंट्रा टिम्पेनिक। टेंसिल टिम्पनल पास इंट्रा टिम्पेनिक मसल है, वेयर इज दिस मसल लोकेटेड इन द मिडल ईयर, तो ये नेक ऑफ द मेलियस बेस सिचुएटेड होता है। हिस्टोलॉजिकली टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एडल्ट की बनी हुई होती है मैनी लेयर्स की, कितनी लेयर्स होती हैं पार्स टेंसा में, तो हमने पढ़ी तीन लेयर्स होती हैं। इफ़ यू क्लिनिकली एग्जामिनिंग द ईयर ऑफ एन 2 year ओल्ड नॉर्मल पर्सन, तो कलर में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का किस तरह का नजर आएगा, पर्ली वाइट कलर। अगला क्वेश्चन है कितनी फॉल्स प्रेजेंट होती है हमारी मिडल ईयर में, तो हमें पता है 6 होती है। थ्री डायमेंशनल व्यू में शेप हमारे मिडल ईयर कैविटी की नॉर्मल एडल्ट में बिल्कुल सिमिलर होती है टू अ मैच बॉक्स की तरह। नर्व सप्लाई जो है ना जो आउटर पार्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, ओरिकुलो टेम्पोरल एंड वेगस नर्व। अगर हम परफॉर्म करें सर्जरी मैस्टॉइड रीजन पे 28-year-old मेल पेशेंट पे, तो व्हाट एवरेज डेप्थ होगी फ्रॉम द सरफेस एट विच यू विल फाइंड द मैस्टॉइड एंड्रम, तो ये हमने अभी भी देखा कि वो तकरीबन हमें 15 millimeter डीप मिलेगा। 15। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द मिडल ईयर जो है वो लीस्ट डीप होता है, लीस्ट डीप हमारे मिडल ईयर का मीजो टिम्पेनम लीस्ट डीप होगा। व्हाट इज द एवरेज लेंथ यूस्टेशियन ट्यूब के एडल्ट्स में, 36 millimeter होती है। व्हाट वॉल ऑफ द मिडल ईयर कैविटी इज आल्सो कॉल्ड टेगमेन टिम्पेनाई, रूफ फॉर्म टेगमेन टिम्पेनाई कहते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ना वो डिवेलप होती है फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक लेयर से, तो हमें पता है कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों से बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द मिडल ईयर कैविटी, तो मेस्टोइड एंड्रम डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेट करता है मिडल ईयर के साथ। दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जो कि है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। अगली वीडियो में हम इसको स्टार्ट करते हैं।